गल करते हैं पंजाब सरकार के खिलाफ। अज अकाली दल ने जो मोर्चा खोलिया उसकी, हर जिले से मोर्चा खोलिया गया। श्रोमणी अकाली दल की मंग सी कि पेट्रोल कीमतों पर लगन वाला स्टेट का वैट वो घटाया जाए, नाल ही राशन घोटाले की जांच की जाए, इस दे नाल ही मापियां नूं स्कूली फीसा भरन तो भी राहत दी जाए। पंजाब की जनता ना जुड़े अहम मुद्दों से श्रोमणी अकाली दल ने सरकार खिलाफ मोर्चा खोलिया। पंजाब के सारे जिले च अकाली दल ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। जैरकपुर च दिते धरने की अगवाई खुद पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने सांभी, तो अमृतसर च बिक्रम सिंह मजीठिया ने सरकार खिलाफ हल्ला बोलिया। लुधियाणा च विधानसभा च अकाली दल के लीडर शरणजीत सिंह ढिल्लों वर्करां दे नाल डटे। सीनियर लीडरशिप तपदी धुप विच वर्करां नाल सरकार नूं घिरन लई सड़कां ते सी। अकाली दल ने राशन घोटाले, पेट्रोल डीजल ते सूबा सरकार दे वैट, नीले कार्डां दे कट्टे जाण खिलाफ सरकार नूं लम्मे हत्थीं लिया। डीजल ते पेट्रोल दे रेट बहुत ज्यादा वध गए है, पर जिहड़ा रेट है आदा टैक्स सूबे दी सरकार भी लाउंदी है ते सेंटर दी सरकार भी लाउंदी है। जे 40 रुपये टैक्स है, 20 रुपये सेंटर सरकार लाउंदी है ते 20 रुपये सूबे दी सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह लाउंदा है। मैं ऑल पार्टी मीटिंग सी, मैं उत्थे जाके किया, मैं क्या कैप्टन साहब आपां पंजाब दा 10 रुपये घटाइए ते ओह चले चलिए दिल्ली, उत्थे धरना देइए, उत्थों भी घटा के 10 रुपये लेके आइए, क्योंकि यह दोनों नूं घटाउणा पैणा है, पंजाब की सरकार नूं ते दिल्ली की सरकार नूं। जो राशन सेंटर सरकार दा सी, मोदी साहब ने देना सी, वो इन्होंने दिता दा की है अपने एमसीआर राही, अपने सरपंचां राही उन्होंने घरे भेज दिता, ते इन्हां दे जिहड़े सरपंच है देखो इन्ने माड़े काम कीते उन्होंने, जिहड़े गरीब का राशन आया सी गरीब नूं वंडन की बजाय उन्होंने दुकानों बेच दिता। मैं देश के प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है कि एक एड्डी वड्डी लुट, एदी सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए है। दूजे सूबे की सरकारां ने नाल ही गुआंढी हरियाणा घर घर जाके राशन वंडिया, अनाज पंचकूला जीरकपुर के हर गरीब नूं उत्थे राशन मिलिया पर इत्थे नहीं मिलिया। आ खजाना इसलिए खाली है क्योंकि इन्होंने खजाने नूं लुटन लग गए। 5600 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया, 5600 करोड़ रुपए का जिहड़ा टैक्स खजाने च आना सी, इन्हां कांग्रेसियों ने अपनी प्राइवेट डिस्टिलरियां दुकाना ला के डिस्टिलरियां खोल के जाली शराब बेचन लग गए। जिहड़ा पैसा रेते राही खजाने च आना सी सारा ही अपनी जेबां च आउण लग गए। अमृतसर विच पार्टी दे सीनियर आगू बिक्रम मजीठिया ने सूबा कैप्टन सरकार नूं घोटालिया की सरकार करार दिता। बीज माफिया, शराब माफिया नूं लैके सरकार की भूमिका ते सवाल खड़े किए, जवाब मंगिया कि आखिरकार दोषी खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उत्थे ही मजीठिया ने स्कूल फीस मामले ते भी सरकार नाल दो हथ किए। पेरेंट्स की जिहड़ी मंग है कि नो इनकम नो स्कूल नो फीस, कि जेड़े मापिया की कमाई खत्म हो गई है फिर वो बेचारे कितने, जब स्कूल नहीं लग रहा तो उन्होंने कितों पैसे देने। उन्होंने मंग के नाल उन्होंने मोढ़े नाल मोढ़ा खड़ा करके सरकार को डिमांड करते हैं कि जेड़े मापे तो फीस दे सकते तो देन, जेड़े नहीं दे सकते उन्होंने सबसिडाइज कर। बच्चों का पंजाब का भविख, जेड़े बच्चे ने पंजाब के उन्होंने भविख नाल ना खिलवाड़ होवे केंद्र च। जिस दिन श्रोमणी अकाली दल को महसूस होया कि किसानों का नुकसान हो रहा,
ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਤ ਦੀ ਪੈਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੈਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਏ ਦਿਨ ਡਾਕੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ